अब तुम जा रही हो ना, तो इस उदास वाली नूर को यहीं पर छोड़ के जाना, समझी? चलो मुस्कुराओ अब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच कहूं तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किसी अनजान लोगों के घर पे हूँ। बहन, हम लाहौर वाले ऐसे ही होते हैं। तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसी हो जैसे नाजे। ये भाई की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। जी, ये क्या है? ब्रेसलेट है। इसकी क्या जरूरत थी? आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, रख लो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो तुम्हें यूं खाली हाथ ना जाने देती। सच कहूँ तो मैंने शहर के दोनों रुख देख लिया। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, वो गुजरे कई दिन एक तरफ और आप लोगों के साथ गुजरे चार दिन एक तरफ। मुझे इसलिए तो कहते हैं जिंदगी के चार दिन। मुझे यकीन है कि मास तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। ये क्या है? नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। ये नूर, बाप जो होते हैं ना, वो बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। मेरे बाप ने बड़े चाहों के साथ ये मेरे लिए बनाया था, लेकिन मुझे पहने देखने से पहले इस दुनिया से चल बसे। तुम्हारे वालिद हयात हैं, अगर तुम्हारी शादी पे वो तुम्हें ये पहने देखेंगे ना, तो मुझे लगेगा मेरे मरहूम वालिद की ख्वाहिश पूरी हो गई।